सही बात यह है कि मुझे इसको भी एकता के लिए और केवल इसलिए एक दुर्घटना जो संपन्न में यहाँ पर हुई, हमारे जो एस्पेशली थे उस वक्त जो याद हो कमेटियों को लिया गया और वहाँ पर मीटिंग की गई तो बड़ा प्रभाव उसका पड़ा। आप सब में से बहुत से पुराने साहब यहाँ पर कुछ लोग हैं, कभी साहब आएंगे हमारे पास, एक ऐसा इतिहास रचा उसका वो आज के लोगों के जरिए में है। पर ऐसा नहीं है कि लोग उसको सम्मान नहीं देते। आज भी मैं देख रहा हूँ कल डीएम साहब की मीटिंग हो गई थी तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो करना चाह रहे हैं संजय कंपनी में करिए, ये उन लोगों के लिए है और उसका प्रोटोकॉल का पालन करिए, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करिए। जब यहाँ पर बात आई अफ्रीका के हिसाब में कहा कि जहाँ पर थोड़ा प्रकट काम करते हैं तो अभी उन्होंने कहा कि नहीं करिए, जाके साहब को बता दें प्रकट कार्यक्रम कहा सब आपको सारी कहानियाँ नई बात बता रही है। सभी का मैं इस थाना परिसर में आज की मीटिंग में हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आपने इतना अमूल्य समय दिया और उसके साथ साथ मैं आपका धन्यवाद इस बात के लिए भी करता हूँ कि पूर्व में जो त्यौहार अभी ईद का त्यौहार मनाया गया है, आप लोगों ने जो बढ़ चढ़ के शासन प्रशासन का सहयोग दिया और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको अक्सर से पालन किया, उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक शांति समिति की मीटिंग का सवाल है, जैसे कि परंपरा है हर त्योहारों के पहले शांति समिति की मीटिंग आयोजित की जाती है, आप सभी जिम्मेदार लोग हैं। जहीर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा, आप सभी जिम्मेदार लोग हैं, ईश्वर ने अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप लोग जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं और इसीलिए आप हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप में ये चीज़ नहीं होती, ये जज्बा नहीं होता तो आप फिर अपने घरों में रहते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं होती। और आपकी इस हिम्मत के आगे, आपके जज्बे के आगे हम लोग केवल आपके सहयोगी के भूमिका में होंगे, हम लोग आपके आगे फ्रंट लाइन पर लड़ने की भूमिका में नहीं होंगे। तो मैं आप सभी से जो आपने अब तक का सहयोग दिया है, पहले जैसे त्यौहार मनाए हैं उसमें जैसा आपका सहयोग रहा है, जिस सराहनीय जो आपका सहयोग रहा है, उसी की अपेक्षा करते हुए अब की बार भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के होते हुए प्रशासन को किसी भी तरह की कोई तकल्लुफ, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और क्योंकि हमारी सीमित संख्या में है प्रशासन, पुलिस के लोग सीमित संख्या में हैं, हम 1-to-1 एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते और मीटिंग का उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों के माध्यम से बातें लोगों तक पहुँचें। आप लोग समाज में रहते हैं, आप लोग अपने क्षेत्र में कस्बे के सम्मानित लोग हैं, आपकी बातों को जनता में असर रहता है, जनता में प्रभाव रहता है, लोग आपकी बातों को मानते हैं। यही आपके लिए हम यहाँ सम्मान के तौर पे आपको बुलाते हैं कि मीटिंग आयोजित की जाती है और क्या करना है क्या नहीं करना, डू एंड डोंट के बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है, अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले साल भी कोरोना गाइडलाइन थी, कोरोना गाइडलाइन में सारे त्यौहार मनाए गए थे और उससे ज़्यादा वही गाइडलाइंस रिपीट रहे। जिस तरह से मोटी मोटी बात में ये कहना चाहूँगा एक ही लाइन में, जिस तरह से जिस प्रोटोकॉल के साथ पिछली बार आपने त्यौहार संपन्न कराए थे उसी तरह से अब की बार भी कराएंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। और मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ, सभी के सहयोग के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसमें अपना सहयोग करेंगे और जो शासन की गाइडलाइन है इसमें किसी के लिए प्रशासन की मंशा ये नहीं होती कि भी किसी का त्यौहार ना मनाया जाए, किसी को धर्म मजहब के आधार पर इस तरह से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है केवल आम जनता सुरक्षित रहे, आम लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे। जैसा कि जनार्दन आचार्य साहब ने बताया था, तो आचार्य साहब ने कहा था कि भाई हमारा स्वास्थ्य सबसे